सो गाइज वेलकम बैक आवर चैनल। अभी मैं कहाँ पे हूँ आपको सवाल पड़ा होगा। ये शख्स नए हैं मेरे लिए, आप सबके लिए। आपका नाम? मेरा नाम प्रतीक सरकार है। प्रतीक सरकार, और हम कहाँ पे हैं? हम अभी वेस्ट बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है कोचबिहार। हाँ, और उसका एक सब डिविजन है तूफानगंज। अरे वाह, तूफान के तूफान है, नाम तूफानगंज। सबसे ज्यादा वाली वॉल स्ट्रेट यहाँ पर मिलता है। अरे आपने पोल खोल दिया यार, मैं बताने नहीं वाला था। चलो ठीक है, पोल खोल दिया है। अभी हमारे पास है रेस्क्यू हुआ हुआ वॉल स्ट्रेट। यस, ये क्रेट आपके बारे आपने कभी सुना नहीं होगा, इसलिए अभी हम जो यहाँ पे एक मेवा बंदा है जो रेस्क्यू करता है, यहाँ पे हर एक सांप रेस्क्यू करते हैं पर वॉल्स के लिए बहुत फेमस है, तो ये हम आपको पहली बार दिखाएंगे। और ये सांप बहुत ही डेंजरस है, ये इनको पता कि ये रेस्क्यू करते हैं। मैंने बहुत ही डेंजर, मैंने भी खुद रेस्क्यू किया है, तो आप इसको दिखाएंगे आपको बारीक से, क्योंकि हमने रात को रेस्क्यू किया, आपको कुछ कम दिखा होगा। तो अभी ये यहाँ पे, और उसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कि कल रात को 2 घंटे में 3 क्रेट रेस्क्यू हो गए, वॉल्स क्रेट, बैंडेड क्रेट और लेसर ब्लैक क्रेट। तो आपको इस टाइम पे तीनों क्रेट आपको देखने मिलेगा, तो आप ऐसे ही बने रहिए और आपको मैं सांप निकालता हूँ। तो गाइज ये एकदम सिंपली रेस्क्यू एंड रिलीज है, ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो सांप जो है वो साइलेंट किलर, नाइट किलर हम बोलते हैं उसको, और ये बहुत ही डेंजरस होता है। गलती से बैंडेड तो निकले। ओहो, आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत और उतना ही खलनायक जैसा ये सांप है। उसके बैंड्स देख सकते हो कि जहाँ से शरीर फेस से शुरू होते हैं और शरीर के कुछ पार्ट से ये बैंड शुरू होते हैं, वाइड बैंड्स और सिंगल बैंड्स होते हैं। संभाला संभाल, बैक साइड में तो आपको ज़्यादा बैंड्स देखने मिलेंगे उसके, और उतना ही खूबसूरत भी ये सांप है, और मेरे लिए तो ये लेजेंड है। इस सब के बारे में कहना चाहूँगा कि ये वॉल्स सिंध क्रेट जो है, ये दोनों डिवाइडेशन हो गए थे, और वॉल्स क्रेट है अभी वेस्ट बंगाल में, और सिंध क्रेट जो है हमारे मुंबई, अपना महाराष्ट्र साइड में। ओहो ओहो, ये हरकतें देखो उसकी, इसका फेस। अभी इसके बारे में प्रतीक भाई, आप यहाँ पे लोग प्रतीक दा बोलते हैं, तो यहाँ पे प्रतीक दा इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देंगे। वह जो वॉल स्क्रेट है ये तूफानगंज में सबसे ज़्यादा मिलते हैं, और ये सिर्फ रात का सांप है, दिन में कभी दिखाई नहीं देगा, सिर्फ रात को ही निकलते हैं। कल रात को ही हमने इसे पकड़ा, एक घर के अंदर से अंदर घुसा है, उसके बाद कल आया, दोनों जाके रेस्क्यू किया। खुशी तो हाँ, तो पड़क का भी इंतज़ार था इसी वॉल का। अभी उसको खोलेंगे, थोड़ा कुंडली मारा है तो उसको थोड़ा, आपको उसकी साइज़ भी बहुत तगड़ी, जैसे आपने बताया कॉमन क्रेट मिलते हैं महाराष्ट्र में, तो यहाँ पे जो वॉल्स क्रेट है इसकी साइज़ बहुत ही बड़ी हो जाती है। आपने कितना लंबा तक पकड़ा है लेंथ? सबसे ज़्यादा जो मैंने पकड़ा उसका हिल रहा बेटा, और 6'2" था। ओके, 6 फीट, ओ 6'2". ओहो, देखा आपने, बहुत ही फुर्तीला ये सांप है, जैसे आप देख सकते हो। नहीं क्या, मेरा तो ठीक है, हो ही जाता है ना? अरे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप जैसे देख रहे हो कि ये क्रेट बहुत ही अनस्टेबल से हो रही है, आप पीछे बैंड्स भी देख सकते हो, और उसके फेस भी तगड़ा है,
जैसे यहाँ पे ग्रेटर ब्लैक क्रेट मिलता नहीं है, पर उसका फेस जो है सिर्फ फेस देखोगे तो ये ग्रेटर ब्लैक क्रेट जैसा दिख जाता है। और हर एक क्रेट के उसकी टंग जो है वो पिंकिश होती है। ब्लॉक करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे तो पसीने छूट गए। तो प्रतीक बा प्रतीक दा कैसे रेस्क्यू करते होगे? और उसका जहर भी वेनम भी बहुत ही खतरनाक है। बीच में मैंने सुना था एक को काटा था प्रतीक दा, हाँ। तो उस पेशेंट का क्या हुआ? उसने गलती से उसने क्या किया, उसने गलती से रेड स्नेक समझ के वाली पकड़ लिया। अरे उसको पता भी नहीं था कि वो रेड वाली है। वाली है क्योंकि देखने में सेम दिखता है। मुझे भी अभी कंफ्यूज थोड़ा थोड़ा हो जाता है। जो सांप लेके काम करता है सिमोनी को पता चलेगा कि रेड स्नेक है और ये वाली है, और इसी के वजह से उसको है रेड स्नेक काटा है, कुछ नहीं होगा वो बराबर हिसाब से। उसने बहुत टाइम लॉस कर दिया। उसके बाद जब सिम्टम शुरू हो गया उसके बाद हॉस्पिटल ले जाएगा, लेकिन टाइम निकल गया। बहुत ही ये अभी एक्टिव हो चुका है। एक्चुअली रात में एक्टिव होते हैं, पर ये दिन में भी थोड़ा एक्टिव दिख रहा है मुझे। ये देखो, तो प्रतीक भाई आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पे जब आप सांप बचाते हो लोग भी आपको बहुत सपोर्ट करते, मैंने देखा। और ये मेरा वॉल्स क्रिएट का इंतजार सक्सेसफुल हो गया था। काफी अच्छा बड़ा है। तो आपको थोड़े कोई कुछ शॉर्ट्स में दिखाऊंगा इसमें, तो आप जरूर देखिए कि अच्छे खासे शॉर्ट्स मिले हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा ये शॉर्ट्स। सो गाइज, ये है ब्लैक क्रेट। बहुत ही खतरनाक होता है। जैसे आपने वीडियो में देखा कि बहुत शांत बैठा था, इसको टच भी करेगा तो वो बहुत फुर्तीला भाग जाता है। अभी इसको पैक कर देंगे क्योंकि इसको निकालना बहुत मुश्किल है, जहरीला है। और पब्लिक आप देख सकते हो पीछे से, तो इसके लिए उसको ज़्यादा करके उसको छेड़छाड़ी नहीं चाहिए। अभी ये अभी पैक हो गया, अभी सबको रिलीज करेंगे। एक बैंडेड क्रेट बाकी, उसको भी रिलीज करना है हमें, तो बाद में देखते हैं। चलो सो गाइज, अब रिलीज करेंगे लेजर ब्लैक क्रेट जो काफ़ी फुर्तीला और जहरीला होता है। मैंने भी बहुत लाइफ में पहली बार ये देख रहा हूँ। अब देख सकते हैं, ये देखो अभी फिलहाल तो उसने कुंडली मार चुकी है। ठीक है, क्या बंद करो? जो उसके ऊपर पूरा बॉडी में ग्रिप कर चुका है, जिसे उसको ग्रिप नहीं मिलती इसलिए वो ग्रिप करता है। अभी इसको थोड़ा खुला कर देते हैं रिलीज करने के लिए। चलो चलो चलो, ये देखो। अरे ये क्रेट का आदत ही है कि उसका मुंडी जो है, देखो आप देख सको। अरे भाई साहब, ये मुंडी अंदर छुपा कर लेता है। हाँ। अभी आगे जाए, थोड़ा आगे जाए। तो गाइस, इसमें क्या है? अभी जैसे बोला था कि लेसर क्रेट, वॉल्स क्रेट और हमारा पैरा बैंडेड क्रेट। ये अभी इसको निकाल लेंगे। इसने कुछ तो खाया था, अब देखते हैं क्या है। ओहो, ये है बफ स्ट्रिप किल बैग। ओ भाई, क्या तेज है।
मैंने बोला ना वोमिटिंग कर दिया। साइज सुधी को बफ सिर्फ किल कर क्या? ये है बैंडेड क्रेट यहाँ का, तूफानगंज का तूफानी क्रेट। हाँ बेटा, तो गाइज इसने खाया है, आप नजदीक से देख सकते हो, उसने खाया है बफ स्ट्रिप किलबैक और उसकी साइज बहुत अच्छी खासी तगड़ी है और उसने वोमिट किया क्योंकि उसको डाइजेस्ट नहीं हुआ रहेगा। फिलहाल तो उसको अपन रिलीज कर देंगे यहाँ पे, छोड़ो। अबे रिवर्स क्यों मार रही है? इसलिए तो आदमी लोग बोलता है कि पीछे भी सॉरी सही है, आप समझा। सो गाइज ये अभी कितना काम है देखो, और उसके हेक्सोन स्केल भी बहुत बड़े हैं और उतना ही फुर्तीला भी है। ये देखो नाइस, काफी तगड़ा है, काफी। छोड़ दे इसको प्रतीक भाई, छोड़ दो ये थंबनेल ना। इसकी बात ही अलग है। इधर जान दो उसको, उधर जान दो, उधर 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 ना उधर। So guys, आपने जैसे देखा कि यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ तूफानगंज में, यहाँ के जो बिग थ्री वेनमस स्नेक जो क्रेट फैमिली के हैं, जो तीनों को तीनों एक्सप्लोर हुए, मतलब जहाँ पे रेस्क्यू किए हमने, फोटोग्राफी की और उसको अच्छी तरीके से हमने रिलीज भी कर दिया। और इसी के तरफ हम प्रतीक दा का थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं कि उन्होंने हमको, अरे तो हम ये आशा करें कि आप मुंबई जल्दी आ जाइए, टाइम मिलेगा तो। अरे टाइम नहीं है, तुम हो आप मुंबई में। अरे यार फिक्स कभी भी आओ। तो अब यहाँ पे हम समाप्त करते हैं और ऐसी वीडियो देखते रहिए और हर इंडिया के अलग अलग सांप और स्नेक फ्रेंड जो बहुत हेल्प करते हैं सांपों की और एनिमल्स की, उनके साथ मिलते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।